इन द लास्ट एपिसोड आपको याद होगा हमने बनाई थी हमारी और इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारा और माइन होता है एंड ये माइन होके के ओवर जाता है यहाँ पे स्टोर होने के लिए एंड देन उसके बाद थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज है उनमें जाता है वहाँ से ग्लास बनता है मेटल बनता है एंड देन हमारी पूरी सिटी को ये मेटल जो भी माइन ओवर है वो प्रोवाइड किया जाता है हमारी फैक्ट्रीज़ को बट आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारी ऑयल इंडस्ट्री आज हम बनाने वाले हैं ऑयल इंडस्ट्री इन अवर सिटी स्काईलैंड तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ऑयल कहाँ पर है ऑयल ओ भाई हमारी पियानो सिटी में तो काफी सारा ऑयल था बट वहां पे मैंने ऑलरेडी सिटी बसा दी है तुम यहाँ पे तो नहीं बना सकते मुझे कोई दूसरी जगह देखनी पड़ेगी ओ यहाँ पे काफी सारा है आई थिंक ये जगह मैं ओन भी करता हूँ हाँ गाइड्स यहाँ पे ना काफी सारा ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ना ऑयल है तो मैं सोच रहा हूँ कि यही पे हम हमारी ऑयल इंडस्ट्री बनाएंगे एक बार मैं देख लेता हूँ जगह हाँ भाई काफी सही जगह है और ये हमारे सिटी से भी दूर है हमारे विमान नगर से ओ एक्जली विमान नगर के अपोजिट साइड में ही है तो या इस जगह पे हमारी ऑयल इंडस्ट्री बन सकती है तो उसी से शुरुआत करते हैं एंड अभी आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलेशन एक लाख तीस हजार लोगों की है तो गेम को मैं जल्दी से शुरू कर देता हूँ सो लेट स्टार्ट द गेम गेम शुरू हो चुका है तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ ये जो जगह है इसको मैं थोड़ा सा ना स्मूथ करता हूँ क्योंकि यार ये

Uh, हमारी ऑयल इंडस्ट्री की मेन बिल्डिंग तो अरे यार यहाँ पे फिट नहीं हो रही है uh, तो ठीक है अगर यहाँ पे फिट नहीं भाई ये कितना काला लग रहा है क्योंकि पूरा का पूरा ऑयल वाला एरिया एक काम करते हैं देन ऑयल इंडस्ट्री की मेन बिल्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक ऑयल इंडस्ट्री की बिल्डिंग बना दी है जिसका नाम है एम्पायर पेट्रोकेमिकल्स भाई क्या नाम है एम्पायर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय भी है ये इंडस्ट्री वर्कर है तो अभी हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग तो बना दी है अभी इसको पानी की वाटर की बहुत सारी जरूरत है तो ये सारे सारी सारी चीज़ें मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे मैं भी एक न्यूक्लियर प्लांट लगा दूंगा क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट से बहुत सारी एनर्जी बनती है एक साथ तो ठीक है यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियर प्लांट भी लगा दिया जिस इसके साइड में एंड देन हमको यहाँ पे एक पानी का कनेक्शन लेके आना पड़ेगा पानी का कनेक्शन ओके okay, यहाँ से आ जाएगा हमारी मेट्रो में था कनेक्शन नहीं अब यार यहाँ से आ नहीं रहा है आ, यहाँ से आएगा ओके okay, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से मैं एग्जैक्टली चारों तरफ इसके लगा दूंगा हो गया चारों तरफ गाइज मैंने पानी की पाइपलाइंस भी बिछा दी है और अभी इनका पानी का प्रॉब्लम भी सोल्ट आउट हो जाएगा देन इसके बाद हमको अभी हमारी ऑयल इंडस्ट्रीज की मेन बिल्डिंग्स लगानी है फॉर एग्जांपल वी नीड ऑयल इंडस्ट्री वर्कर्स ये भी है यहाँ से वर्कर्स आते हैं बहुत सारे तो ये यहाँ पे क्यों नहीं फिट हो रहा नॉट इन इंडस्ट्री एरिया ये यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल एरिया मार्क कर दिया एरिया मैंने मार्क आउट कर दिया है लेट्स सी क्या अभी यहाँ पे मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ ये हमारी आएगी सबसे पहली छोटी सी ऑयल रिग भाई ये बहुत छोटी है तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लेट्स गो गेमर्स मैंने फाइनली एक पहली हमारी ऑयल रिग लगा दी है भाई Exactly एग्जैक्टली ऐसा ही होता है अगर आपने देखा है ना जमीन में से ऑयल कैसे निकलता है एक्जैक्टली exactly इसी प्रोसेस से जमीन से ऑयल बाहर निकलता है देखो यहाँ पे एक छोटा सा बैरल भी है मतलब ये हमारा एकदम बेसिक सा छोटा सा मॉडल है देखो यहाँ पे दो बैरल से ऑयल बाहर निकल रहा है और ये वाला ऑयल बेच के गाय तो बहुत सारा पैसा कमाने वाला है तो अभी इसी तरीके से मैं बहुत सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑयल रिग्स लगाने वाला हूँ सो लेट्स अभी हमने ये ये लगा दी अभी हम लार्ज ऑयल ऑयल पंप ओके ऑयल पंप लगा दिए अभी इसके साइड में आ, या इसके साइड में ये हमने एक ऑयल पंप लगा दिया तो यहाँ पे देखो आ, मतलब ये वाली एक रिग थी अभी काफी सारी रिग्स है आ, जिससे कि यहाँ पे मैं भी ऑयल इसके अंदर शोर होगा और देखो यहाँ पे एक वर्कर भी आ चुका है हेलो सर व्हाट्स यू नेम इस वजह से वे इसको मैं अपना इसका नाम भी दे सकता हूँ तो इसको हम बोलाएंगे ऑयल मामा <laughs> इसको हमने नाम दे दिया ऑयल मामा ये हमारा यहाँ से ऑयल निकलता है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ऑयल प्रोड्यूस होगा वो भी है ट्वेंटी फोर बैरल ड्रिलिंग रिग भाई ये तो बहुत बड़ी ड्रिलिंग वाली रिग है यहाँ पे मैं बहुत सारी लार्ज ऑयल रिग्स लगाने वाला हूँ एक लाइन में सो गेमर्स एज यू कैन सी फाइनली मैंने पे काफी सारी लार्ज ऑयल रिग्स लगा दी है जिनसे हमको बहुत सारा ऑयल मिलने वाला है अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमको एक ऑयल रिग से कितना ऑयल मिलने वाला है 27 barrels. अभी अभी इसने 7 ऑयल प्रोड्यूस किया है एंड ये सारा ट्वेंटी जितना भी प्रोड्यूस होगा सारा का सारा ऑयल वो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए जाएगा हमारी सिटी में जाएगा बट अभी सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है मुझे इस पूरे हमारे ऑयल इंडस्ट्री एरिया को मेन रोड से कनेक्ट करना है क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी मेन रोड से कनेक्शन आया नहीं है तो मैं सोच रहा हूं मेन हाईवे से यहाँ पे ना मैं कहीं से कनेक्शन कनेक्टेड ओवर ओके गेमर्स तो मैंने पहला जो रास्ता है वो यहां पे कनेक्ट कर दिया है हमारे ऑयल एरिया से एक रास्ता यहां तक जाएगा सीधा हमारे विमाननगर में ये ऊपर निकलता है एंड ये आने के लिए तो यहां अभी गाड़ियों ने आना जाना शुरू कर दिया oh, एक सेकेंड ऑयल टैंकर्स देखोग से ऑयल टैंकर बाहर निकल रहे हैं बहुत सारे ट्रक्स निकल रहे हैं भाई ऑयल के सीरियसली तो मैं सोच रहा हूँ मुझे ना यहाँ पे एक और रोड का कनेक्शन यार बनाना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा रोड कनेक्शन होगा ना उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा और उसके लिए मुझे ये वाली लैंड परचेस करनी पड़ेगी ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से रोड कनेक्शन बना सकूँ या अभी मैंने यहाँ पे ये वाले भी लैंड परचेस कर लिया है तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो हाईवे है इस वाले हाईवे का भी कनेक्शन हम कर देंगे एक सेकेंड हाईवे नहीं मुझे ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरसेक्शन बनाना है मेरे पास काफ़ी सारे इंटरसेक्शन है भाई ये क्या चीज़ है कितना बड़ा इंटरसेक्शन है ये तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा इंटरसेक्शन बनाना चाहूँगा एक सेकेंड कहाँ पे बनाऊँ मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं हाँ यहीं पे बनाता हूँ ताकि यहाँ से भी गाड़ियों को मैं ए, मतलब कनेक्ट कर सकूँ तो एक काम करते हैं ये वाला इंटरसेक्शन मैं भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ हाईवे से आ, तो ये आ, ये जाने के लिए तो जाने वाला रोड यहीं से बना देता हूँ मैं फिर एक रोड यहाँ से ऐसा आएगा कनेक्टेड ओवर टोवर ओके वेल गेमर्स मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम कंप्लीट कर दिया है आप देख सकते हो बहुत सारे रोड्स बना दिए हैं एंड ये सारे के सारे जो रोड्स है वो सारे इंडस्ट्रीज से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ से जितना भी सारा ऑयल प्रोड्यूस होगा वो जाएगा हमारे इंडस्ट्रीज में बट अभी मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम स्टोर भी करें तो हम यहाँ पे एक स्टोरिंग uh, सिस्टम भी बनाएंगे ठीक है परफेक्ट अभी यहाँ पे जितने भी मैंने रोड्स बना दिए इन सारे रोड्स के किनारे हम लगाने वाले हैं ऑयल के स्टोरेज वाले टैंक तो एक्जैक्टली exactly फिट हो रहा है भाई यहाँ पे तो यहाँ पे मैं ऑयल स्टोरेज के टैंक्स लगाना शुरू कर देता हूँ अरे यार बीच में जगह छूट गई ये नहीं है फाइव एंड ये लास्ट वाला लग जा सिक्स ओके okay, तो हमने लार्ज क्रूड ऑयल स्टोरेज सिस्टम भी बना दिए तो देखो अभी यहाँ पे ये टैंकरस आ रहे हैं ये टैंकर्स सारा का सारा जो ऑयल है वो इन टैंकरस के अंदर स्टोर करवा देंगे आप देख सकते हो उसकी आप आवाज़ आपको आवाज़ भी आएगी ये स्टोर हो रहा है यहाँ पे भाई एग्जैक्टली रियल लाइफ की तरह सब कुछ हो रहा है एंड यहाँ से देखो हमारा एलैंड आइलैंड कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे मैं एक नई सिटी बनाने की सोच रहा हूँ या लेट्स गो अभी मैं ना जल्दी से यहाँ पे एक नई सिटी बना देता हूँ सबसे पहले मुझे आप एक बीच में एक ऐसा इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा uh, बड़ा वाला या बड़ा वाला लगाते हैं ताकि उन्होंने uh, लोग इधर उधर ठीक से आ जा सके तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला इंटरसेक्शन लगा दिया एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक नई सिटी बनाऊंगा एकदम परफेक्ट शेप बना दिया गाइज मैंने यहाँ पे एंड देन अभी बस हमको इन मेन हाईवेज को एक दूसरे से कनेक्ट करना है जस्ट लाइक दिस ये जाने वाला है तो जाने वाला तक आएगा बस सिस्टम गाइज मैंने पे बना दिया भाई ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है इसको हम स्क् सिटी बोलेंगे ठीक है स्वयं सिटी ठीक है गाइज अभी अभी हमारे यहाँ पे एक्जेटली परफेक्ट स्क्वेयर सिटी बन चुकी है एंड देन अभी बस मुझे यहाँ पे नॉर्मल रोड्स बनाने जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे रहने के लिए हाईली डेंसिटी हाईली डेंसिटी हाईली डेंसिटी सारे के सारे हाईली डेंसिटी जोन रहेंगे जहा पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे रहने के लिए उंडली so, हमारी स्क्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे मैंने आने जाने के लिए बहुत सारे रास्ते वगैरह बना दिए हैं। जिससे कि क्या होगा कि जितनी भी ज्यादा हमारी मतलब सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी तो अभी ज्यादा लोग आएंगे तो यू नो सप्लाई भी बढ़ जाएगी और डिमांड भी बढ़ जाएगी तो अभी हमें फिर से एक बार अपनी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर एक बार फोकस करता हूँ मुझे बाकी की भी बिल्डिंग्स बनानी है सो लेट्स भी हम और क्या क्या बना सकते हैं ये क्या चीज़ है ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म ओ भाई एक सेकेंड मुझे ये बनाना है ये कहाँ पे बनेगा यहाँ पे ओ या, यहाँ पे बन रहा है कहीं पे तो आ, लेट मी से यहाँ पे बन रहा है तो मैं यहाँ पे एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म अगर मैंने बना दिया तो ये समंदर से ऑयल निकालेंगे लेट्स गो मैंने यहाँ पे गई अभी भी एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है भाई ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है आई I मीन mean, मैंने एक मूवी देखी थी अंडर अंडर वाटर नाम की उसमें भी ऐसा ही आई मीन ऑयल ड्रिलिंग का प्लेटफॉर्म था देखो यहाँ पे हेलीपैड्स वगैरह भी है और ये समंदर के ना बीचों बीच होता है जहाँ पे भी यू uh, नो you know, हमारी रियल लाइफ में अर्थ में जहाँ पे भी समंदर के नीचे ऑयल होता है वहाँ पे इसे बड़े बड़े ऑयल ड्रिल ड्रिल प्लेटफॉर्म लगाए जाते हैं ये शिप तो इसके अंदर के अंदर से जा रहा है भाई इनका एक्सीडेंट कहीं ना हो जाए बट एनी वेज अभी हमको यहाँ से भी बहुत सारा ऑयल मिलेगा तो एक सेकेंड इसको क्या हो रहा है अरे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एक सेकेंड में तेरे लिए यहाँ पे पूरा पंखा लगा देता दिया ये ले भाई तेरे लिए मैंने स्पेशल यहाँ पे पंखा लगा दिया और वैसे शॉप का नाम क्या है लेट मी सी डीनो uh, ऑयल नाम है इस दुकान का इस कंपनी का तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दी है मुझे और भी बिल्डिंग से वो भी बनानी है ऑयल प्रायोलिसिस प्लांट ये क्या होता है uh, तो ये भी मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ एक सेकेंड यहाँ पे बन रहा है लिट्स इससे क्या होता है मे बी इससे ऑयल को प्रोड्यूस uh, किया जाता है या कुछ किया जाता है नॉट इनफ रॉ मटेरियल्स और गाइज देखो कितनी सारी ट्रक्स आ रही है यहाँ पे हमारा ऑयल प्रोड्यूस करके और ये ट्रक्स भर भर के हमारे इसके अंदर भी ऑयल आई थिंक स्टोर कर रही होंगे देखो यहाँ पे अभी भी ये एक ट्रक या ये ऑयल खाली करने के लिए इसके अंदर कितना ऑयल है आ, ये बैलेंस है वैसे इसके अंदर वैसे इसका सिस्टम कैसा है नाइन एट वर्कर्स वो ये नाइन्टी परसेंट फुल हो चुका है ये कितना परसेंट फुल हो चुका है नाइन्टी टू परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट भाई बहुत सारे फुल हो रहे हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना ऑयल यहाँ पे स्टोर करने का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा बट अभी मुझे बाकी की चीज़ें और चेकआउट करनी है इसमें कौन सी कौन सी और ऑयल से रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं ये क्या चीज़ें पेट्रोकेमिकल प्लांट मुझे ये भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे आई थिंक पेट्रोकेमिकल्स बनाए जाए आ, मतलब बनाए जाएंगे जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह होता है भाई लेट्स सी इससे क्या बनेगा इससे प्लास्टिक्स बनेंगे ओके okay, इससे क्या बनेगा इससे भी प्लास्टिक्स बनेंगे वेस्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट ओके तो ये भी मैं बना देता हूँ एक सेकेंड इसको मैं इस तरह बना दूंगा वेस्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट ठीक है यहाँ पे भी मैं थोड़े से वेस्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट्स लगा देता हूँ ओके okay, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए वैसे ये देखने में कैसा है हाँ मतलब नॉर्मल ऑयल रिफाइनरी की तरह ही है और अभी इनको मटेरियल्स नहीं मिल रहे भाई थोड़ी देर रुक जाओ ये ट्रक्स आपकी आपके पास मटेरियल्स पहुँचा देंगे ऑयल इंडस्ट्री मेंटेनेंस बिल्डिंग ओ ये क्या चीज़ है मुझे ये भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा ये मेंटेनेंस बिल्डिंग है आई I मीन mean, जो टैंक्स वगैरह खराब होंगे या कहीं से ऑयल प्रोड्यूस वगैरह नहीं होगा वो यहाँ पे चेकआउट किया जाता होगा देखा भाई बैरल्स वगैरह पड़े वर्कर्स भी आ चुके हैं क्रैकर प्लांट नाल फटा ये क्या होता है पता नहीं इसको भी मैं यहाँ पे एक सेकंड इसको यहाँ पे नहीं इसको दूसरी जगह पे लगा दें यहाँ पे लगा दे लेट्स ये प्लांट कैसा है इससे क्या बनता है वैसे इससे भी प्लास्टिक से बनते हैं इट नॉट इनफ रॉ मटेरियल्स थोड़ी देर रुक जा भाई आ जाएगा तेरे पास रॉ मटेरियल्स तो मैं ये वाले प्लांट ना और लगा देता हूँ मैं यहाँ पे आ, ये एक और प्लांट इसके साइड में ही रहेगा या इसके साइड में होना चाहिए एंड एक और यहाँ पे रहेगा ठीक है मैंने एक और प्लांट यहाँ पे भी लगा दिया भाई बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए और कौन सा प्लांट है ये तो नॉर्मल हमारे स्टोरेज टैंक्स है वो मैं तो मैंने सारे लगा दिए और ट्राफिक जाम काज कुछ ज़्यादा ही होने लगा है देखो बहुत सारे ऑयल के ट्रक्स आ रहे हैं और यहाँ पे ना दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मतलब मैंने बहुत ऐसा कंजेस्टेड एरिया बना दिया है बट फैक्ट्रीज में ऐसा ही होता है मतलब पूरा का पूरा एरिया ऐसा ही होता है ऑयल इंडस्ट्री स्टोरेज Okay, ये भी मैं यहाँ पे देन बना देता हूँ ऑयल इंडस्ट्री स्टोरेज प्लांट तो गाइज लगभग मैंने सारी की सारी जो हमारी ऑयल से रिलेटेड बिल्डिंग्स थी वो वो यहाँ पे बना दी है जिससे कि भी हमारे पास बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है अगर आपको मैं देखा यहाँ पे ऑयल एम्पायर में कितने लोग काम करते हैं सत्ताईस वर्कर्स काम करते हैं और इसकी पूरी कैपेसिटी चार हजार साढ़े चार हजार वर्कर्स की है तो बहुत सारे वर्कर्स को रोजगार भी मिल रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं पॉलिसीज वगैरह भी सेट कर सकता हूँ तो गाइज फाइनली हमने हमारा पूरा जो ऑयल का सिस्टम है वो कंप्लीट कर दिया है देखो यहाँ पे भी ट्रक्स जाके ये जो ऑयल के हमारे इंडस्ट्री स्टोरेज है यहाँ पे है अभी ऑयल स्टोर होगा और ये एक परसेंट फुल हुआ है टोटल इसकी 500 सौ बैरल की कैपेसिटी है सो so फाइनली हमारा बिजनेस काफी अच्छी तरीके से रन हो रहा है हमारी सिटी स्काईलाइंस में तो so यार आज के लिए बस नहीं था आई होप आपको बस नहीं होगा एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो बाई गाइज